दोस्तों दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये मेरे वाइंडिंग वॉइस जो है देख सकते हैं स्टेटर वॉइस के ऊपर में है दोस्तों, जो कि रिवाइंडिंग करते वक्त जो है स्टेटर को पकड़ने का काम करता है, फिक्स करने का काम करता है, ये देख सकते हैं। और ये जो पहले था दोस्तों, ये पुराना मॉडल था कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बोल्ट जो है हमने एक पत्ती लगा के जो है टेबल पे फिक्स करते थे, और यहाँ पे नट है तो इस तरीके से जो है इसे घुमा के जो है हम यहाँ पे इसे टाइट करते थे। और ये वाला ऊपर से जो टाइट करने वाला है ये दोस्तों, ये साइड से था इस तरीके से जो है इसे हम स्टेटर को जो है टाइट करते थे। लेकिन अब इसका मॉडल जो है कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया है, बिल्कुल सीधा खड़ा कर लिया इसे, और यहाँ पे टेबल में जो है हॉल कर लिया है, और हॉल में जो है ये बोल्ट डाल के और टाइट करके जो है हम यहाँ पे वाइंडिंग का काम अब से करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इसे जो है हाइट करने के लिए, जो है ऊंचा करने के लिए, हमने यहाँ पे तीन बैरिंग जो है, यहाँ पुराना वाला बैरिंग हमने यहाँ पे ले लिया है और कुछ इस तरीके से जो है इसे हम यहाँ पे अंडर डालते हैं इसे, और नीचे से जो है टेबल के नीचे से आपको नट लगा के जो है इसे टाइट कर देते हैं फिक्स। तो ये देखिए, हमने इसे जो है अंदर यहाँ पे हॉल में जो है डाल दिया है, और कुछ इस तरीके से नीचे से जो है यहाँ पे नट के द्वारा इसे हम टाइट कर लेंगे पूरा, ताकि जो है ये इस तरीके से घूमे ना। और यहाँ पे इसको स्टेटर को टाइट करने के लिए जो है देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऊपर से ही इसे कुछ इस तरीके से सेटिंग किया हुआ है, ऊपर से ही इसे अब हम यहाँ पे टाइट करेंगे। चलिए हम दिखाते हैं एक स्टेटर को टाइट करके। तो इसके लिए हमने यहाँ पे तीन साइज का जो है दोस्तों, ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्टेटर ले लिया है। ये बड़ा है जिसका कि डायमीटर 5 इंची है लगभग, और ये जो है ये तकरीबन 3 3 इंची इसका डायमीटर है, 3 3.5 इंच। तो ये सबसे बड़ा वाला जो कूलर स्टाइल में जो है आता है स्टेटर, देख सकते हैं ये आराम से यहाँ पे फिक्स हो जाता है। इतना ही बड़ा जो है हमने यहाँ पे बनाया है, ताकि बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा जो है स्टेटर को हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, ये टाइट हो गया। अभी फिलहाल हमने नीचे में नट नहीं लगाया जिसके कारण से ये घूम रहा है, लेकिन ये टाइट हो चुका है। अब इसे हम निकालते हैं, ये तो बड़ा वाला हो गया। अब जब अब छोटा वाले को टाइट करना है, हमें यहाँ पे फिक्स करना है, तो छोटा वाले को भी हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और ऊपर से जो है इसे बोल्ट के द्वारा जो है इसे हम यहाँ पे टाइट कर सकते हैं। ये देखिए टाइट हो गया ये, ठीक है। अब जो है जो छोटा वाला स्टेटर रहता है, ये उसा पेडेस्टल जो कि चौकोर वाला स्टेटर होता है दोस्तों, इसे भी हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया, और यदि नीचे से यदि छोटा हो रहा, ये देखिए ये बोल्ट यहाँ पे छोटा हो गया, तो नीचे से जो है हम यहाँ पे कुछ बैरिंग का जो है सहायता लेंगे। ये वाला बैरिंग हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो दो बैरिंग यहाँ पे नीचे हम लगा देंगे, जिसके कारण से ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और बोल्ट जो है इसे आराम से यहाँ पे इसे फिक्स कर सकता है दोस्तों। देखिए ये देखिए, अब जो है ये देखिए दोस्तों, ये भी फिक्स हो गया कुछ इस तरीके से। यदि कोना कोनी हम भी हमें टाइट करना है, ये तो अभी सीधा सीधी हो गया आपका, इसे हम खोल लेते हैं। चलिए यदि इस तरीके से भी इसे हम यहाँ पे टाइट कर सकते हैं, देखिए इसे हो गया। और अभी फिलहाल मैं एक हाथ से जो मोबाइल पकड़ा हूँ, जिस कारण से यहाँ पे टाइट करने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन कर सकते हैं इसे, कोई बात नहीं। ये देखिए हमने यहाँ पे टाइट कर लिया है, मतलब इस तरीके का जो ओवर साइज का जो यदि आप वॉइस बनाते हैं वाइंडिंग वाला, तो स्टेटर वॉइस जो बनाते हैं आप, तो इसमें क्या है कि आपका कूलर हो, फराटा हो, 2 ब्लेड 5 ब्लेड 3 ब्लेड उषा का, लगभग सारा स्टेटर को जो है यहाँ पे आप इसमें बांध सकते हैं, और रिवाइंडिंग का काम जो है आराम से कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये मेरा वॉइस आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर
लिखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।